हाय फ्रेंड्स, मुकुंदर कुमार हमारे चैनल के नोटिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के फिर से मैं न्यू एंड फ्रेश वीडियो लेकर आ चुका। जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देख लिया फ्रेंड्स, कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक के यूजर हैं तो आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो ऑर्डर करने का क्या सही तरीका है पूरा जानेंगे इस वीडियो में, और कैसे आप ऑर्डर कर पाएंगे, किस किसी को ऑर्डर की ऑप्शन नहीं शो हो रही है तो कैसे शो होगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से पहले आप लोग रिक्वेस्ट पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन घंटे को ऑन कर दीजिएगा ताकि के रेंटिस के आने वाली इसी तरह से हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं और आप सबको सबसे पहले मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर करने की ऑप्शन आप लोग को मैं दिखा देता हूं, उसके बाद ही आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहां पर ही लिखा है डिपटोट डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है डेबिट कार्ड का, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, अपना पिन डाल देते हैं। तो पिन डाल देने के बाद यहां पर आपका डेबिट कार्ड लोड होकर के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहां पर हमारा डेबिट कार्ड आ चुका है, और देख सकते हैं यहां पर नीचे आ चुका है आवर योर ऑर्डर योर फिजिकल कार्ड नाउ, यहां पर ऑप्शंस आ चुका है ऑर्डर करने का फ्रेंड्स। तो ये ऑर्डर जो ऑर्डर करने का ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपके यहां पर अगर आप पुराना थैंक्स एप्लीकेशन है तो आपको शो नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना है वो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, अपडेट एप्लीकेशन को जैसे कि अपडेट करके आप लोग को चेक करना, अगर अपडेट करने के बाद भी ये ऑप्शंस आप लोग को शो नहीं करता है तो उसके बाद एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके फिर से ओटीपी डाल के लॉग इन करना है, उसके बाद 110% आप लोग को फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जैसे शो हो जाता है उसके बाद यहां पर ऑर्डर पर क्लिक करना है, जैसे आप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे लोडिंग लेना हो जाएगा स्टार्ट फ्रेंड्स। उसके बाद यहां पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये कार्ड डिटेल सारा चीज आपको शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहां पर एड्रेस हो जाएगा आपका, जो भी आधार पर एड्रेस है वो एड्रेस को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे आप यहां पर उस वाले एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहां पर आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कार्ड की जो कॉस्ट है वो 349 यानी कि 349 रुपए कार्ड की प्राइस है, ये आपको पे करना होगा। जैसे आप ये पे कर देते हैं आपका ऑर्डर हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। कंफर्मेशन मैसेज आ जाने के बाद इसकी जो कार्ड की डिलीवरी है वो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू 5 से 10 वर्किंग डे में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और हमने ये ऑर्डर कर दिया है पहले ही गाइस, तब ये मैं वीडियो बना रहा हूं काकी, क्योंकि मैंने कंफर्म कर लिया कि 100% ऑर्डर हो रहा है। तो जैसे अगला वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जिसमें हमारा डेबिट कार्ड जैसे हमें रिसीव होता है तो उसमें मैं लाइव आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। हमारे इसी चैनल के अर्निंग टिप्स पे पिन जनरेट करके भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं हमारे इसी चैनल के अर्निंग टिप्स पे। तो आप सारे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड, मिलते हैं के अर्निंग टिप्स के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।